उल्लासनगर में कोई भी आना पसंद नहीं करता था, या यूं कहें कि वहां जाने से लोग डरते थे। ऐसी बहुत पुरानी मान्यता चली आ रही थी कि वहां पर एक ऐसी चुड़ैल है जो लोगों का खून पीती है और अपनी भूख मिटाती है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं, लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि वो भूखी चुड़ैल पूरे गाँव में घूम कर अपना नया शिकार ढूंढने लगती है। इस बात से वो लोग अजनबी थे जो इस गाँव के बारे में नहीं जानते थे या गाँव में नए थे। ऐसे में उल्लासनगर में रहने के लिए विमला और सूरज किसी दूसरे गांव से आते हैं। वो लोग गांव पहुंचते हैं तब रात के 10 बज चुके होते हैं और गांव का एक भी घर खुला नहीं होता जहां वो लोग जाकर रह सके। बस एक घर खुला होता है जहां वो लोग जाते हैं तो वहां एक बहुत सुंदर सी औरत दिखाई देती है और उन्हें प्यार से अंदर बुलाती है। ये देखकर विमला और सूरज बहुत खुश होते हैं कि गाँव के लोगों में भी कितना अपनापन और प्यार है। वो सुंदर सी औरत दोनों को अपने ही घर में रहने को कहती है और वो दोनों ही वहाँ पर रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगती है, विमला को एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो खिड़की से देखती है तो चांद आसमान में ऊपर की ओर आ जाता है और उसी वक्त ऐसा महसूस होता है कि उसके गले में किसी ने अपने दांतों को लगा दिया है और वहीं पर विमला की मौत हो जाती है। जब सूरज दौड़कर आता है तो वो उस खूबसूरत महिला के रूप में एक भूखी चुड़ैल को देखता है जो अब सूरज को अपने भूख मिटाने का साधन समझकर दौड़ पड़ती है। उस भूखी चुड़ैल ने दोनों के खून को पीकर अपनी भूख मिटा ली और अब वो फिर से नए शिकार की तलाश में घूमने लगी। कुछ सालों बाद इस गाँव में एक परिवार रहने आया। इस परिवार में माता पिता और उनके दो बच्चे थे। जिस घर में ये परिवार रहने लगा, ठीक उसके बगल वाले घर में एक खूबसूरत महिला रहती थी जिसका नाम सरला था। शुरू शुरू में तो परिवार के लोगों के द्वारा सरला से दोस्ती नहीं की गई, लेकिन धीरे धीरे सरला ने परिवार में रहने वाली महिला से दोस्ती कर ली और उनके घर आना जाना भी शुरू हो गया। परिवार में रहने वाला छोटा बच्चा एक रात को उठकर घर के बाहर रखे सामान को अंदर करने लगा तो उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी। वो चारों तरफ घूमकर देखने लगा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है तो उसे एक खिलौना नजर आता है। उसे देखकर वो खुश हो गया और उसे लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे पीछे से एक बहुत ही भयानक आकृति दिखाई देने लगती है और वो पूरे काले रंग की होती है। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही चुड़ैल दिखाई दी जो अपने शिकार की तलाश में भटक रही थी। उस चुड़ैल के मुंह से खून टपक रहा था और वो बच्चा इस बात को समझ नहीं पाया कि वो एक भूखी चुड़ैल है और अब वो उस चुड़ैल से नहीं बच सकता। रात भर जब उस बच्चे का पता नहीं चल पाया तो घर वाले बहुत परेशान हो गए और घर वालों का साथ सरला ने दिया जो उनकी हितैषी थी। बच्चे की माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन बच्चे की कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। लोगों के बीच में फिर से वही दहशत आने लगी जो सालों पहले थी। गांव में भी ऐसी विचित्र आवाजें आने लगी जिससे लगने लगा कि वो चुड़ैल यहीं आसपास घूम रही है। अब लोग डर की वजह से अपने बच्चे को घर से बाहर जाने से रोकने लगे। दिन के समय पर चुड़ैल दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही रात होती है तो उसका भयावह रूप लोगों को देखने को मिल जाता। इन बढ़ती हुई घटनाओं से लोगों का दिल दहलने लगा और अब गांव के लोगों ने ही मिलकर उस चुड़ैल को खत्म करने के बारे में सोचा। गांव के लोगों ने एक छोटी सी बैठक एक मंदिर में रखी जहां पर सभी गांव वालों को बुलाया गया। उस मंदिर में सभी लोग आए। रात के 10 बजते ही सभी गांव वाले अपने घर के अंदर की खिड़की से ही देखने लगे कि आखिर वो चुड़ैल किसके घर से निकलती है। काले साए के रूप में लंबे बालों के साथ वो चुड़ैल पूरे गांव में चहलकदमी करने लगी। लोगों को आश्चर्य हुआ कि वो भूखी चुड़ैल कहीं और नहीं बल्कि सरला के घर से आई। तभी गांव के सरपंच ने बताया कि जिस दिन मंदिर में बैठक रखी गई थी, सरला मंदिर में नहीं आई थी बल्कि किसी काम का बहाना बनाकर घर में ही थी। अगली रात वो भूखी चुड़ैल जब निकलती है तो उसके मुंह से खून टपक रहा होता है। लंबे नाखून और काले बाल लिए हुए उल्टे पैरों से वो चल रही थी। जैसे ही वो अपने घर में जाती है तो सभी गांव वाले मिलकर उसके घर में मिट्टी तेल डालकर जलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लोग उसके घर को जलाते हैं तो अचानक उस भूखी चुड़ैल के अंदर से सरला बाहर आ जाती है और चिल्लाकर कहती है कि आ, 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 बचाओ, आ,
तुम लोगों ने मेरा घात पा किया है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब गांव वाले डर के साए में जीना नहीं चाहते और पूर्ण रूप से जब तक घर जल ना जाए तब तक उस पर मिट्टी तेल डालते रहते हैं। जिससे वो भूखी चुड़ैल खत्म हो जाती है। अब उस गांव में पहले जैसी खुशहाली आ गई और किसी भी बुरी आत्मा या चुड़ैल का साया पूर्ण रूप से खत्म हो गया।